Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.5, question number 8 and 9 for class 9. Chapter name is surface areas and volumes. इस chapter में volume और area से related solid figure का question given है. इस chapter का पूरे chapter की बात कर रही हूँ मैं, जिसका concept related question video मैं already एक बना चुकी हूँ, जिस पे आप visit करोगे. तो चैप्टर का जो सॉल्यूशन है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन, व्हिच इज गिवन, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इन टू 8 इक्वल क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम. मतलब कि एक क्यूब कहने का मतलब जिसके सारे साइड्स को है, 6 का 6 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो वो आपको एक 12 सेंटीमीटर की है. चलो मैं क्यूब बना देती हूँ छोटा सा. ओके, ये रहा क्यूब और इनके सारे साइड्स क्या हैं, वो आपको 12 सेंटीमीटर है. ओके, इसे 8 इक्वल पार्ट में कट की गई. कट करने के बाद जो 8 क्यूब फाइंड हुए, वो भी क्यूब के रूप में, यानी कि उनका जो भी ये मतलब सॉलिड फिगर जो है वो क्यूब के फॉर्म में ही थे और उन सब का वॉल्यूम क्या है, इक्वल था. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो नए क्यूब का साइड क्या होगा. दूसरी चीज, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. फिर जब साइड फाइंड हो जाएंगे, वॉल्यूम फाइंड हो जाएंगे और उनके साइड जब हम फाइंड कर लेंगे न्यू क्यूब का, तो फिर उसका दोनों क्यूब, यानी जो बड़े वाले क्यूब है जिससे कट की गई है और जो हमने छोटे वाले क्यूब फाइंड किया, उन दोनों के साइड का हमें सरफेस एरिया जो है वो उनकी रेशियोज फाइंड करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. साइड ऑफ, मैं बिग क्यूब लिख रही हूँ, ठीक है. बिग क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू 12 मल्टीपल है ना, क्योंकि सारा साइड जो है वो इक्वल होने के वजह से सबको हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे. तो 12 12 144 मल्टीपल 12, 4 2 8 एंड 2 एंड 144 8 2 7 1 विच इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया हमारा 8. ठीक है, ओके, ये आ गए. अब इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो वॉल्यूम ऑफ न्यू 8 क्यूब्स, इक्वल टू 1728 अपॉन में 8, है ना. 8 से डिवाइड करेंगे, 1728, 2 टाइम 60, 1 टाइम 8 एंड 4 8 4 8, यानी कि ये आ गए 260 सेंटीमीटर क्यूब. अब इनका साइड क्या होगा, है ना. इनके साइड हम सबसे पहले जानते हैं कि साइड क्या होगा. तो साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 360 विच इज 6 सेंटीमीटर. ओके, अब रेशियोज बिटवीन देयर सरफेस, है ना. रेशियोज बिटवीन देयर सरफेस एरियाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वाले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब एंड अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विच इज, सरफेस एरिया फाइंड करनी तो क्या होता है, 6 बिग क्यूब का मतलब सबका क्या होता है, 6a स्क्वायर. तो 6 into a इसका 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर यानी 12 मल्टीपल 12 एंड ये हो जाएंगे 6 into 6 into 6 6 to 6. ये आ गए, सॉरी 2 एंड ये आ गए अगेन 2, तो क्या हो गया 4:1, है ना.
उनके बीच का जो रेशियोज हैं, मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी इसके लिए, है ना, 4:1 उनका उनके बीच का रेशियोज है ना। मैं यहाँ ये आंसर मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, 4:1, है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ रिवर 3 meter डीप एंड 40 meter वाइड, है ना, एक नदी है जिसकी गहराई जो है वो 3 meter है और उनकी चौड़ाई जो है वो क्या है, 40 meter है। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 kilometer पर आवर, जो कि बह रही है 2 kilometer एक घंटे में, उनकी जो रेट है, स्पीड है, वो एक घंटे में 2 kilometer की। हाउ मच वाटर विल फेल इन टू द सी इन अ मिनट, एक मिनट में वो, मतलब एक बार का जो वॉल्यूम है वो सी में गिरेंगे, है ना, जब वो पानी गिर रहा है किसी चीज़ का, तो एक वॉल्यूम एक बार में एक मिनट में वो गिरेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारा लेंथ हो गया, किलोमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और हमें आंसर मिनट में पूछा जा रहा है, दैट्स वाई 2000 अपॉन में उसे हम 60 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ओके, तो डेप्थ ऑफ रिवर विच इज 3 meter, width of river which is 40 meter, and इनका जो length कह ले which is हो जाएंगे 2000 meter, है ना, 2000 meter। Now water will be the sea in a minute equal to, क्या हो जाएंगे, length into breadth into breadth into depth, okay, length which is minute में पूछा जा रहा है तो हम इसे 60 से divide कर देंगे, and breadth which is 40 multiple 3, ये cancel हो गए, 20 एंड यहाँ आ गया 100, आ गया आपको 4000 हाउ मच वाटर, है ना, 4000 मीटर क्यूब वाटर, है ना, इतना मीटर क्यूब वाटर जो है वो 1 minute में सी में रिवर से गिरेगी। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना।